समाजवादी पार्टी के नेता अजू इशाक का आरोप है कि भाजपा के कायमपुर पर बने नवीन कार्यालय का गेट बनने के कारण आज शहर की लाइट काट दी गई, जिसके बाद गुस्साए सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष मनोज यादव और सपा नेता अजू इशाक सहित दर्जनों सपा कार्यकर्ता मेडिकल रोड स्थित बिजली घर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई अधिकारी नहीं मिला। फिर फोन पर बात की तो सिर्फ आश्वासन मिला। तो आज बिजली घर पे आए बोले, देखिए ऐसा है कि अंधेरी नगरी चौपट राज का मामला चल रहा, तानाशाह चल रही पूरी जोर शोर। वहाँ कायमपुर मोड़ पे भाजपा का जो कार्यालय बन रहा है, वहाँ पे कुछ काम हो रहा था जिसकी वजह से लाइन बंद कराई गई, और जब वो लाइन बंद कराई गई तो उसके बाद जो है वो स्वर्ण जयंती नगर में मेडिकल रोड पे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइट नहीं है। लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं और कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि क्या फॉल्ट हुआ या किस वजह से बंद हुई है। असलियत यह है कि वहाँ पे भाजपा के कार्यालय बन रहा है, वहाँ पे जो काम होना था उसकी वजह से लाइन बंद करवाई गई, तो उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे भी आए तो आप देख लिए बिजली घर का हाल, यहाँ पे न जेई साहब मौजूद है न एसडीओ साहब मौजूद है, और सब एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं बात को। और अभी जब फोन करा है मैंने, यहाँ पे जो है वो आपके इनको एक्सचेंज साहब को फोन किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने लाइट खोल दी है, तो ये इनके घर का राज चल रहा है पूरा। बिजली घर पे हम इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है कैमपुर मोड़ पर, उस कार्यालय के चलते पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी गई है। यहाँ पर हमें इसी हिसाब से शिकायत करने आए हैं। कितने बजे से लाइट बंद हुई है? सुबह से लाइट बंद है। और कोई वो नहीं है अधिकारी यहाँ मौजूद है? कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पर, कोई अधिकारी नहीं है यहाँ।